इसमें बात करेंगे, इसमें एक फॉर्म होती है सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट को हम इस तरह दिखाते हैं और डुबलेट को हम ट्रिपलेट को सॉरी हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पेयर्ड होते हैं इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। और इसकी और क्या बात कर सकते हैं हम, इसमें जो सिंगलेट है और ट्रिपलेट है, अगर हम कार्बीन की बात करें, सिर्फ कार्बीन की बात करें, तो ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है। मतलब इसमें बात करें इसकी, तो इसमें ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू सिंगलेट। अब ऐसा क्यों हुआ? कॉज ऑफ बॉन्ड एंगल, कॉज ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखा जाए इसका, CH2 का, इस वाले का देखा जाए तो एक कैची एरा, एक कैची एरा। इसमें दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिए जाते हैं तो इसमें जो अप्रोक्स एंगल बनता है वो 103 डिग्री बनता है। और इसमें हम बात करें, इसमें एच एच इस साइड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे डाल दीजिए, और ये लीनियर शेप में आता है तो 180 डिग्री का एंगल शो करता है। ठीक है, ये बेंट वी शेप टाइप बनता है और ये लीनियर शेप में आता है। डेट्स वाई कार्बिन के केस में ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगलेट। थैंक यू।